हेलो फ्रेंड्स, योग दिवस में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। योग जिंदगी को बदल देता है। आप योग कीजिए, सुस्त रहिए और मार्केट में भी धन कमाइए। मैं एक क्रिया योगिस्ट हूँ, यानी क्रिया योग को फॉलो करता हूँ। और आप किसी ना किसी भी योग करते हैं तो आपको मार्केट में काम करने के लिए कंसंट्रेशन पावर की जरूरत होता है। आपका कंसंट्रेशन जितना अच्छा होगा मार्केट में, आपका माइंड का वोलेटिलिटी उतना ही, आपके माइंड का वोलेटिलिटी एक नियंत्रण में रहेगा। यानी आप जब मार्केट में डिसीजन लेंगे, जब भी आप ट्रेड लेंगे, तभी आप सही ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए अभी मार्केट के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट में थोड़ा सा हंगामा हुआ। मार्केट में आज थोड़ा सा हंगामा नहीं, ज्यादा हंगामा हुआ। यानी मार्केट जो जैसे आपका रिकवरी दिखाया, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कहां से वो सपोर्ट लिया और कहां तक आया और कैसे आया। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे ओआई क्रॉसओवर होता है। आज का जो सेक्शन है, जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं, उसमें कॉल साइड का ओआई और पुट साइड का ओआई आप कैसे क्रॉसओवर होता है। सिंपली आपको आज कुछ नहीं बताने वाला हूं, सिंपली आप ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक कीजिए और कैसे क्रॉसओवर होता है, वो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट, जब भी क्रॉसओवर होगा वहां से आपको कैसे रिटर्न मिलता है। स्टॉक में रिटर्न मिलता है, इंडेक्स में भी रिटर्न मिलता है, आपको एक अच्छा ट्रेंड का मौका मिलता है। आप अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट यहां से कितने परसेंट ऊपर जा सकता है और कितने परसेंट नीचे आ सकता है। लेकिन ओआई को जब भी आप ट्रैक कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन कीजिए कि आपका जो ओआई फॉर्मेशन हो रहा है, कॉल साइड क्या हो रहा है या पुट साइड पे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, या फ्रेश कॉल हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है या राइटिंग हो रहा है, पहले कन्फर्म होने दो और उसके बाद आप उस ओआई को चार्ट के साथ देखिए। क्योंकि जब भी एनएससी आपको ओआई देता है, ओआई वहां से आपका अपडेट होता है, 2 से 3 मिनट लेट से आता है, एनएससी देता है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर, कोई भी ब्रोकर्स आपको, ब्रोकर हाउस आपको प्रोवाइड करता है तो एनएससी से प्रोवाइड करता है। लेकिन वो जो फॉर्मेशन होता है, वो ओआई चार्ट को आप क्या करेंगे ना, चार्ट के साथ देखेंगे। जो क्लोजिंग प्राइस, जो एलटीपी है, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो होता है, क्या जो स्टॉक का प्राइस होता है, उसके साथ उसका जो चार्ट, जो वॉल्यूम फॉर्मेशन वहां से होता है, उसके साथ आप मिलाकर देखेंगे, तभी आपको एक अच्छा ट्रेंड के साथ आप काम कर सकते हैं और आपको अच्छे ट्रेंड के साथ ट्रेड भी मिलता है। तो आइए हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आज का मार्केट में क्या हुआ है और कैसे मार्केट नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग दिखाया और कहां से कहां तक आ गया। तो आइए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मार्केट का आज का चार्ट है, ओआई चार्ट है। जिस चार्ट में आप निफ्टी में आप देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट जो ट्रैक होता है, जो ओपन इंटरेस्ट हर मिनट का हमने ट्रैक किया है, जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकल एक फ्रेम बनने के बाद, चार्ट बनने के बाद एक टाइम डिफरेंस डिफरेंशिएशन के साथ ये चार्ट फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन लाइव मार्केट में ये चार्ट फॉर्मेशन होता है, यानी जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, वो जो ओपन इंटरेस्ट आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, आप सुबह से आप देख सकते हैं, 9:15 पर हमने डाटा लिया था, उससे आपको क्या मिला। तो आप वहां से जो राइटर थे, जो कॉल राइटर थे, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते ही गए। लेकिन ये जो टाइमिंग जो यहाँ पर आपने देखने के लिए आपको मिला, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 घंटे के लिए मैं मार्केट में नहीं था, तो उस टाइम के लिए ये जो डाटा यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट आपको लग रहा है चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं 2 घंटे के लिए मैंने ऑफिस में नहीं था और ट्रैक नहीं कर रहा था। लेकिन जो सही ट्रैकिंग किया गया है ओपन इंटरेस्ट, तो आप नीचे से आप देखिए कैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, जो कॉल राइटर थे धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो फ्राइडे को हुआ था,
यानी पुट राइटर एक्टिवेट नहीं हुए थे, जो भी कुछ आपको मिला था वहां से कॉल राइटर क्या हुआ था ना, धीरे धीरे हल्का हो रहे थे, यानी कॉल राइटर जितने कॉल राइटिंग किए थे वो धीरे धीरे वहां से निकल रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ था, मार्केट उस दिन रिकवरी दिखाया था। लेकिन आज क्या हुआ ना, आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। आप यहां से आपको पुट राइटर एक साथ आपको देखने के लिए मिला। तो मैंने सुबह से आपको बोला था कि एक मैंने मैसेज दिया था कि यहां से आपका एक क्रॉस ओवर हो सकता है, यानी आपको जो ट्रेंड सुबह से देखने के लिए मिला था, यानी पुट राइटर धीरे धीरे कॉल राइटर के साथ चलते थे, यानी कहां पर भी एक क्रॉस ओवर हो सकता है। कहां पर, कितने बजे आपको पता लगा ना, 10:23 में आपको पता लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, यहां से जब भी आपको मार्केट 1:15 में क्या हुआ ना, क्रॉस ओवर हुआ, यानी आपको यहां से कॉल राइटर धीरे धीरे नीचे आने लगा और पुट राइटर यहां से ऊपर जाने लगा, यानी यहां पर क्रॉस ओवर हुआ। तो जब क्रॉस ओवर हो गया, यहां से आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल गया है कि मार्केट में कुछ चेंजेस होने वाला है, यानी कुछ तो होने वाला है। तभी क्या हुआ ना, यहां से कॉल राइटर नीचे आया और उसके साथ पुट राइटर ऊपर नहीं गए, लेकिन उसके साथ नीचे आया। लेकिन जो कॉल राइटर नीचे आया और पुट राइटर को भी, पुट राइटर जितने थे वो भी हल्का हुए, लेकिन कॉल राइटर जब भी हल्का हुआ, कॉल राइटर वहां से निकल गए, तभी मार्केट में एक बाउंस देखने के लिए मिला। लेकिन मार्केट में अभी भी जो पुट राइटर है उनको भी संदेह है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, तो वहां से भी वो भी हल्के हुए हैं, वो निकल गए हैं, पुट राइटर भी निकले और कॉल राइटर भी निकल गए। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर आपको एक बाउंस देखने के लिए मिला, एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिला। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के टाइम में आपको देखने के लिए मिला कि पुट राइटर हैवी हो गए और कॉल राइटर पूरे के पूरे हल्का हो गए, यानी जितने कॉल राइटिंग किया गया था वहां से आपको पूरा देखने के लिए मिला कि पूरा कॉल राइटर वहां से निकल गए। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर जो क्रॉस ओवर हुआ, ये क्रॉस ओवर आपको बताता है कि कहाँ पर कितने आपको रिकवरी दे सकता है। कभी भी क्रॉस ओवर होगा वहां से 200-300 पॉइंट आपको ऊपर को देखने के लिए मिलेगा, एक आपको ऑफसाइड डायरेक्शन में मार्केट जाने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा और वहां से आपको 200-300 पॉइंट आपको मूवमेंट मिलता है मार्केट का। यानी कितना परसेंटेज और कितना मिलेगा ये तो हम सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको वहां से जो डायरेक्शनल मूवमेंट मिलता है, अप ट्रेंड के साथ मिलता है, वो क्रॉसओवर से आपको मिल जाता है, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है, एक ट्रेंड के साथ मिलता है। तो यहाँ आज जो हुआ इसीलिए हुआ, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, कितने बजे ना, 1:15 पर यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ और सुबह से जितने सारे कॉल राइटिंग किया गया था वहां से नीचे नीचे आपको देखने के लिए मिला। ऐसे आपको देखने वाला ये वाला सबसे चार्ट अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये पूरे के पूरे बैंक निफ्टी का पूरे जो कोर एरिया है, जो कोर एनालिसिस है, ये पूरे के एनालिसिस है, ये जो डाटा आपको बताता है ना, ये डाटा पूरा एक्चुअल डाटा बताता है। यहाँ पर जो जितने सारे कॉल राइटिंग, यानी पूरे के पूरे बैंक निफ्टी सिस्टम का है, यहाँ पर जो बिल्टअप हो रहा है कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग, यहाँ से आप देख सकते, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ मीन्स बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। यानी यहां से आपको 100% कंफर्मेशन, 100% कंफर्म मिलता है कि 200-300 पॉइंट ऊपर जाने के लिए। यहां पर कोई भी आपका अफसोस नहीं रहना चाहिए कि नहीं नहीं हो सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पूरे बैंक सिस्टम का है, कॉल एंड पुट का एनालिसिस है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो पुट जो और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता है, यहाँ से पूरे के पूरे सिस्टम को लिया जाता है और कॉल एंड पुट साइड को एनालिसिस किया जाता है। इसलिए क्या होता है ना, यहाँ पर पूरे के पूरे बैंक सिस्टम में जितने बड़े बड़े स्टॉक और बैंक का पूरा डिटेल्स एनालिसिस किया गया है, यहाँ से पूरा नीचे आने के लिए स्टार्ट हो गया। यहाँ से ये चार्ट को देखते ही आपको पता लग गया 1:11 पर नई मार्केट ऊपर जाना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं रिलायंस, ये रिलायंस का चार्ट है। आप रिलायंस में आप देख सकते हैं कैसे क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पर जब भी रिलायंस सुबह से जैसे आपका कॉल राइटर धीरे धीरे हल्का हुए, धीरे धीरे वहां से निकलने लगे, तभी आपका पुट राइटर भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुआ और यहाँ से आपका क्रॉस ओवर स्टार्ट हुआ। तो इसलिए आपको रिलायंस में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिला और रिलायंस अभी भी दिखा रहा है कि पुट राइटर ज्यादा है और कॉल राइटर वहां से निकल गए हैं। तो रिलायंस शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और ऊपर जा सकता है, रिलायंस नीचे आएगा तो आपको बाइंग मिलेगा। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ है ओपन इंटरेस्ट, ये आपको दर्शाता है। तो इसके साथ आप एक्सिस बैंक भी देख सकते हैं, सुबह सुबह 9:37 में यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ और क्रॉस ओवर इसलिए हुआ, यहाँ पर पुट राइटर ज्यादा है और कॉल राइटर नहीं है।
तो इसके साथ आपको देखना चाहिए कि आप आईसीआईसी बैंक कैसे हुआ, आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कॉल एंड पुट का कैसे आपको क्रॉसओवर हुआ, कैसे नीचे आया, और इसके साथ एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी नहीं है, एचडीएफसी बैंक है, मैंने एचडीएफसी उसमें लिखा है, एचडीएफसी बैंक का ओआई चार्ट है, तो वाई चार्ट में एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं कैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है और एचडीएफसी बैंक में कैसे आपको एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलता है ऊपर से नीचे आने के लिए, जैसे ओवरबाई फॉर्मेशन हुआ और वहां से जो जितना राइटिंग किया गया था, जो कॉल राइटिंग किया गया था, वो धीरे धीरे हल्का हुए और आपको एक अच्छा मूवमेंट, एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिला ऑफ साइड डायरेक्शन में। ऐसा ही आपका कोटा का भी आप देख सकते हैं, कोटा का सुबह सुबह में आपको कन्फर्मेशन दे चुका था कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से जो कॉल राइटिंग हुआ था यहाँ से, तो ये कॉल राइटर धीरे धीरे यहाँ से नीचे आने से स्टार्ट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा बाउंस गया, फिर यहाँ से आपको डायरेक्शनली आपको एक ट्रेंड आपको कंफर्म किया कि नहीं कोटा का ऊपर जाने वाला है। तो इसके साथ एसबीआई भी आप देख सकते हैं, एसबीआई का ओआई स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसे क्रॉसओवर हुआ, और आपको मैं चार्ट के साथ भी दिखाना चाहता हूं कि आप ऐसे ही जो ओआई का चार्ट आप देखा, तो उसको मैंने एक मिनट इंटरवल में आपका जो ओआई चार्ट मैंने लिया था, इसके हिसाब से मैंने आपको कि जो यहां पर जो चार्ट फॉर्मेशन हुआ, जो आज के लिए 21 को जो चार्ट फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हैं कैसे आया, और यहां से जब क्रॉसओवर हुआ, ये जो दोनों लाइन, ये रेड लाइन और यह जो रोज लाइन, ये थोड़ा सा है, यहां पर आपका जो क्रॉसओवर हुआ, यहां से आपको एक कंफर्मेशन देता है कि ये जो क्रॉसओवर होता है, यहां से आपको 1 आवर 2 आवर का एक ट्रेंड, एक ऑफसाइड, या ये जब भी आपका क्रॉसओवर होगा, नीचे से क्रॉसओवर होगा तो 1 आवर 2 आवर का एक ट्रेंड रहता है एक मिनट का, और जब भी ऊपर से एक क्रॉसओवर होगा तो नीचे में 1 आवर 2 आवर का एक ट्रेंड रहता है। तो ये जो ट्रेंड यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिला, तभी आपको एक ऑफसाइड डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिला। ऐसे आपका बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, तो इसलिए एक ऑफसाइड डायरेक्शन में आपको ट्रेंड देखने के लिए मिला। कोटा का भी आप देख सकते हैं, जब भी आप ओआई को देखते हैं तो ओआई और चार्ट के साथ मिलाकर आप देखिए तो अच्छा आपको रिटर्न और अच्छा आपको कन्फर्मेशन मिलता है। तो ये था कोटा का, और आईसीआईसी बैंक भी आप देख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक भी आप देख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक भी सेम टू सेम है, यहाँ पर आपको क्रॉसओवर हुआ। जब भी ये दो लाइन क्रॉसओवर होता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि अपसाइड या डाउनसाइड का डायरेक्शन में आपको कंफर्मेशन मिलता है। तो ये था आपका आज का डिटेल एनालिसिस, ओआई कंफर्मेशन आपको मिलता है, क्रॉसओवर आपको मिलता है, तो एक अच्छा ट्रेंड के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं और अच्छे आपको रिटर्न मिल सकता है इंट्राडे बेसिस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।